गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ टुडे वी डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में अगर हम देखें पीएम मास का ऑब्जेक्ट को आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर क्या होता है, मूव करता है. सपोज दैट कि आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, यहाँ एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है. यहाँ पर स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है. स्पीड अगर हम देखें तो कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में. बट डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन होगा. एक्सीलरेशन जो होगा यहाँ पर डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर होगा, और इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होगा यहाँ पर वी स्क्वायर बाई आर. तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड ला अगर हम देखें एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी से. एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू एम ए से एम ए सी, और यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाई आर. ये क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम एम मास का कोई स्टोन है उसको स्ट्रिंग में बांध के घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होता है वो कहाँ से होता है? जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. ऐसे ही अगर हम देखें ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. अब अगर आर रेडियस का कोई सर्कुलर टर्न है, कोई कार है जो आर रेडियस के सर्कुलर टर्न आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर क्या हो रही है? टर्न ले रही है. इस तरह मान लीजिए कोई सर्कुलर टर्न है ऐसे, और इस पर कोई कार है जो कि क्या है? सर्कुलर टर्न ले रही है. तो यहाँ भी क्या चाहिए? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स जो रोड और टायर के बीच में यहाँ लगेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है. जैसे यहाँ पर अगर कोई कार है सर्कुलर टर्न ले रही है, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन फोर्स. मीन्स ये हुआ कि सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, या फिर टेंशन फोर्स भी हो सकता है. ये क्लियर है? अब इसके बाद अगर हमें देखना हो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, अगर सर्कुलर टर्न जो है वो क्या हो? लेवल हो. लेवल का मतलब जो रोड का जो दोनों साइड है वो सेम हाइट पर हो, तो हम क्या कहेंगे? इसको लेवल रोड. और यहाँ पर पाथ कैसा है? सर्कुलर है. अगर कोई कार है वो सर्कुलर टर्न ले रही है तो क्या होगा? तो अगर हम देखें यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ जो एफ है स्मॉल एफ, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो क्या होगा? ये कार स्लिप कर जाएगी. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और क्या हो रहा है? इसका जो मास, सपोज दैट कि ये एम मास का है, तो इसका वेट एम जी डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा. तो मीन्स अगर हम देखें तो इस पर थ्री फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एम जी. यहाँ पर अगर हम देखें तो यन इक्वल टू क्या होगा? एम जी होगा, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा. और यहाँ अगर हम देखें तो जो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है. स्टैटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार जो है वो स्लिप हो सकती है लेकिन नहीं हो रही है, मतलब इम्पेंडिंग मोशन है, ऐसा मोशन जो हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा है. तो ऐसे केस में कौन सा फ्रिक्शन अराइज होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि अगर ये ना लगता तो ये स्लिप हो जाता.
लेकिन ये स्लिप नहीं हो रहा, मतलब रोड की बाहर नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और एफ एस क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू न्यू एस इंटू एन होता है। और एफ एस किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये क्या हो जाएगा, एफ एस की जब हम लिख सकते हैं वी एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि कार का मास क्या है, यम है, और इस सर्कुलर टर्न का रेडियस क्या है, आर है, और स्पीड कितना है, वी है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। ये लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू अभी हम देख रहे हैं कितनी है, एम जी है। यम यम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस आर जी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी कार की कि वो स्लिप ना करे, तो अगर हम वी मैक्स निकालें, तो वी मैक्स अगर वेलोसिटी हम मैक्सिमम करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा। यहाँ लेस देन का सिंबल हट जाएगा और क्या हो जाएगा, इक्वल, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट म्यू एस आर जी। तो ये हम देख सकते हैं जहाँ पे सर्कुलर टर्न रहता है रोड पर, वहाँ पे लिखा हुआ होता है स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वो मैक्सिमम स्पीड लिखा होता है कि मतलब इस मैक्सिमम स्पीड से अगर जाएंगे आप तो गाड़ी स्लिप नहीं होगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। उससे कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जहाँ पे भी सर्कुलर टर्न रहता है वहाँ लिखा होता है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, और वो मैक्सिमम स्पीड हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू एस है ये तो डिपेंड करेगा कि रोड कितना रफ है, आर सर्कुलर टर्न का रेडियस हो जाएगा, जी तो कांस्टेंट है ही, मतलब वी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, म्यू एस और आर। तो हम अगर किसी भी सर्कुलर टर्न का वी मैक्स निकालना चाह रहे हैं तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड में क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्कुलर टर्न जो लेवल होता है वो इस तरह होता है, रोड का दोनों साइड सेम हाइट पर होता है, बट अगर बैंक रोड है तो हम एक साइड क्या करते हैं, उठा देते हैं, सपोज दैट यच हाइट हमने राइज कर दिया इसको, ये फर्स्ट एंड जो है रोड का वो उसी हाइट पर है, सेकेंड एंड को हम क्या करते हैं थोड़ा सा उठा देते हैं, इस रोड को हम क्या कहेंगे, बैंक रोड, मतलब रोड का एक साइड थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब इस पर अगर कोई कार है जो सर्कुलर टर्न ले रही है, अगर यहाँ पर कोई कार है जो सर्कुलर टर्न ले रही है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये अगर हमें निकालना हो, यहाँ हम देख रहे हैं फिगर से अगर हम देखें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे देखें तो जो रोड का सरफेस होगा वो कुछ इस तरह होगा, मतलब हॉरिजेंटल एक साइड उसी हाइट पर आएगा, सेकेंड साइड जो है वो थीटा एंगल राइट थीटा एंगल पर होगा, तो मतलब फिगर कुछ इस तरह बनेगा। सपोज दैट कि ये कार है या मास का है, तो इसका वेट जो है एम जी, ये डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस तरह लगेगा, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि ये ऐसे स्लिप हो सकती है, तो फ्रिक्शन फोर्स रोड अगर ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ही रहेगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये कार को स्लिप नहीं होने दे रहा है। अब यहाँ अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो तो वर्टिकली अपवर्ड होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा,
अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा और ये हो जाएगा एन साइन थीटा। इसी तरह एफ एस भी टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा एफ एस कॉस थीटा और इधर आएगा एफ एस साइन थीटा। यहाँ पे कंडीशन क्या, इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा मिल करके क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, एक हो जाएगा एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी, इक्वेशन नंबर वन। और एक इक्वेशन बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या होगा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू। अब यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम वी मैक्स निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, इसका फार्मूला हम बता ही दिए, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।